माफिया अतीक अहमद के करीबी सफदर अली का घर गुरुवार को भारी विरोध के बीच गिराया गया। चकिया में 200 वर्ग गज में बने इस आलीशान मकान की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए थी, जिसे प्रयागराज विकास प्राधिकरण के 3 JCB और 1 पोकलैंड ने खंडहर में तब्दील कर दिया। घर गिराने की कार्रवाई शुरू हुई तो सफदर के बेटे और बहू अंदर घुस गए। उन्होंने बाहर निकलने से मना कर दिया। इस पर पुलिस ने अंदर जाकर सबको जबरन बाहर निकाला। इसके बाद मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई। PDA के अधिकारियों का कहना है कि मकान बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है। इसे लेकर लगातार नोटिस दी जा रही थी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। इस पर बीती 28 फरवरी को नोटिस देकर ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया है। बताया जाता है कि उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद शूटरों ने यहां रात गुजारी थी। अतीक अहमद गैंग के करीबी और उमेश पाल हत्याकांड में आरोपित की मदद करने वालों पर योगी सरकार का बुलडोजर कहर बनकर टूट रहा है। वहीं सफदर ने कहा कि मेरे मकान का नक्शा पास है, गैर कानूनी तरीके से मकान गिराया गया। किसने अभी 11:30 बजे बताया गया, 2 पुलिस आई, बताई गई मकान टूटेगा, खाली कर दीजिए। आपने कुछ नहीं, क्या वजह क्या है? वजह कुछ नहीं बताने को, बस खाली कर दीजिए। बस सफदर अली का मकान नहीं है, सफदर अली का नहीं है। किसका मकान है? हमारे बेटों का है, हमारा नहीं। आपका नहीं? नहीं, गलत नोटिस दी गई है, हमारे नाम नहीं। आप पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि आपने जो है अतीक अहमद के जो गुर्गे थे, जिन्होंने हत्या की थी, उनका जो है कभी नहीं। मैं शकल तक नहीं जानता, और तो दूर छोड़ दिया। मैं इस मोहल्ले में रह के इन्हीं लोगों के घर कभी नहीं जाता हूँ। किस नाम दुकान है? कहाँ दुकान है आपकी? जानसेंगन चौराहे। किस नाम दुकान है? SSN हाउस। इस कार्रवाई के समय वहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। सफदर की जानसेंगंज में असलहे की दुकान है। आरोप है कि सफदर अतीक को असलहा सप्लाई करता था। अतीक का लाइसेंसी असलहा भी सफदर के यहाँ रखवाया गया था। पहले आकर के सूचना हमको देनी चाहिए। रुक जाइए, बस एक मिनट रुक जाइए, वो मशीन अब